देखिए दोनों ही साइड का नट को हम खोल लिए हैं। ये देखिए हमारा एक साइड का कप निकल गया, बैरिंग का कैप आपका बाहर आ गया, लेकिन देखिए बैरिंग का अंदर में कितना ज़्यादा गंदगी। वीडियो को आपको अच्छे से देखना तभी आप ये चीज़ को समझ पाएंगे, नहीं तो बॉटम ब्रैकेट फिट करने के बाद क्या होगा कि नॉइस का प्रॉब्लम आएगी। देखिए गियर आपका बाहर आ गया, जैसा कि देख पा रहे हैं ये कप आपका जो है खुल नहीं रहा, बहुत ही ज़्यादा जाम है। सो गाइस जैसा कि हमारा ये साइकिल आप देख पा रहे हैं तो ये हमारा न्यू साइकिल है, हालांकि न्यू नहीं है, 1 ईयर्स ओल्ड हो चुका है। तो इसका बॉटम ब्रैकेट हम सर्विस करने वाले हैं। अगर आपके पास इस तरह का एम माउंटेन साइकिल है, गियर वाली या फिर नॉन गियर वाली, अगर आप सोच रहे हैं कि हम किस तरह से साइकिल का बॉटम ब्रैकेट सर्विस कर सकते हैं, अगर नॉइस वगैरह का प्रॉब्लम आ रहा है, सारा चीज आप लोग को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर आप न्यू साइकिल लिए हैं या फिर आपके पास पुराना साइकिल है, बॉटम ब्रैकेट किस तरह से सर्विस किया जाता है एकदम अच्छे से, मैकेनिक किस तरह से करता है, आज की इस वीडियो में हम आप लोग को फुल डिटेल्स में और स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ताकि आप लोग का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो और इजिली आप अपने घर में ही बॉटम ब्रैकेट सर्विस कर सकते हैं, परेशानी भी नहीं होगा और इजिली आपका बॉटम ब्रैकेट साइकिल का सर्विस हो जाएगा। तो चलिए आप लोग किसी से ज्यादा ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल में न्यू आए हैं और नॉलेजफुल वीडियो हमेशा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और जितना ज्यादा ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। पहले क्या करना है, साइकिल इस तरह से उलट लेना है। इससे क्या होगा कि बहुत ही ज्यादा सुविधा होगा बॉटम ब्रैकेट सर्विस करने में। बॉटम ब्रैकेट सर्विस करने के लिए कौन कौन टूल्स का जरूरत पड़ेगा, गोटी हैंडल का जरूरत पड़ेगा इस तरह का, एक आपको गोटी टूल का जरूरत पड़ेगा, गोटी स्पिनर का साइज ये आपका 40 नंबर का है, एक इस तरह का बॉटम ब्रैकेट टूल का जरूरत पड़ेगा, जैसा कि देख पा रहे इससे आपका बॉटम ब्रैकेट खुलेगा, एक आपका इस तरह का पुलर का जरूरत पड़ेगा, ये देखिए ये पुलर है जिसे करेंक बाहर आएगा। ये सब टूल अगर आप परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आसानी से आप खरीद सकते हैं। खोलने के लिए ये जो केप लगा हुआ रहता है करेंक में, ये आपका खोल लेना है। अगर हाथ से नहीं खुलता तो फिर आपको इस तरह का स्क्रू ड्राइवर का मदद लेना है। ये आपका गियर सेट का हो गया, जैसा कि देख पा रहे हैं ये देखिए दोनों सेट के केप को निकाल लिए हैं। ये आपको क्या करना है, चैन को इस तरह से उतार लेना है गियर से, जैसा कि देख पा रहे हैं हम गियर से चैन को उतार लिए हैं। तो पहले क्या करना है कि करेंक को आपको खोलना है इस तरह से टूल का मदद से, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये देखिए जो नट है वो आपका खुल चुका है, इस तरह से नट खोल लेना है। ये देखिए दोनों ही साइड का नट को हम खोल लिए हैं। पुलर लेना है, ठीक है, इस तरह से पुलर स्पिनर लेना है, और यहाँ पर आपका जो है थ्रेड होता है, ठीक है, तो थ्रेड में इस तरह से आपको जो है स्पिनर को टाइट करना है, ये देखिए। उसके बाद आपको इस तरह का स्पिनर लेना है एक, और स्पिनर का मदद से इस तरह से आपको टाइट करना है। ये वाला बोल्ट जैसे ही आप टाइट करेंगे तो ये देखिए गियर जो आपका बाहर आ जाएगा, ये देखिए ये आपका हम टाइट कर दिए और ये देखिए गियर आपका बाहर आ गया, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो इस तरह से ये पुलर आपका काम करता है, जैसा कि करेंक में थ्रेड बना हुआ है तो इस तरह से आपका जो है थ्रेड में टाइट होगा। तो पुलर को आपको अच्छे से टाइट करना है, जरा सा भी लूज नहीं रखना है, ठीक है। पुलर इस तरह से पहले आपको टाइट कर लेना है, पुलर टाइट करने के बाद ये जो बोल्ट लगा हुआ है पुलर में उसे आपको इस तरह से टाइट करना है, ये देखिए आपका टाइट हो गया और हम इसे फुल टाइट दे रहे हैं, ये देखिए फुल टाइट दे रहे हैं। ये थोड़ा सा जाम बता रहा है इसलिए कि यहाँ पर कभी भी हम ऑयलिंग नहीं किए इस जगह में, ठीक है, इस जगह में किए हैं बायरिंग में ऑयलिंग किए, लेकिन इसमें नहीं किए हैं, इसका वजह से पूरा जाम हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, WD-40 का यूज़ करेंगे, ये देखिए, ताकि करेंक हमारा ख़राब ना हो और ईजिली खुल जाए। इस तरह से आपको टाइट करते रहना है, एकदम ईजिली आपका जो है करेंक बाहर आ जाएगा। इस तरह से गियर करेंक सेट आपको निकाल लेना है पुलर का मदद से, स्पेनर इस तरह से लेना है बॉटम ब्रैकेट वाला, और इस तरह से आपको फिट करना है, जैसा कि देख पा रहे हैं। फिट करने के बाद हल्का हल्का इस तरह से आपको ठोकना है, ठीक है, हल्का हल्का ये हो गया। उसके बाद इस तरह से हैंडल को लगाना है, ठीक है, हैंडल को लगाने के बाद इसे आपको इस तरह से खोलना है, ठीक है, ये देखिए आपका जो है बॉटम ब्रैकेट खुल गया। ये देखिए हमारा एक साइड का कप निकल गया बॉटम ब्रैकेट का, कितना ज़्यादा एकदम कचरा है ये देखिए अंदर में। उसके बाद आपको अपोजिट साइड वाला कप को खोलना है, अपोजिट साइड वाला कप जो है आपका उल्टा थ्रेड होता है, ठीक है, इसलिए आपका जो है उल्टा खुलेगा, यानी जिधर ये टाइट होता है उधर वो आपका खुलेगा, ये देखिए। ये कप आपका बहुत ही ज़्यादा जाम बता रहा है, बहुत ही ज़्यादा जाम है,
ये कप आपका जो है खुल नहीं रहा, बहुत ही ज़्यादा जाम है। इसमें हम थोड़ा सा WD-40 का यूज़ करेंगे, ये देखिए इस तरह से WD-40 हम दे दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हल्का हल्का हथौड़ी करेंगे, ये देखिए इस तरह से हैमर करेंगे हल्का हल्का, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, एकदम हल्का हल्का करना है इस तरह से। ये देखिए इधर से भी करना है और हल्का हल्का इसमें मारना, ज़्यादा नहीं, ज़ोर से नहीं, हल्का हल्का मारना है इस तरह से। इसमें आपका वायरिंग वायरिंग कुछ भी ख़राब नहीं होगा। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलिए दोबारा स्पिनर का मदद से इसे खोलने का कोशिश करते हैं। सो गाइस बहुत ही ज़्यादा जाम था, तो ये सब प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो आसानी से खुल गया, तो इस तरह से खोल लेना है। सो गाइस ये देखिए कार्ट्रेज जैसा कि देख पा रहे हैं वायरिंग वाला लगा हुआ था, कितना ज़्यादा एकदम गंदगी है, ये देखिए कितना ज़्यादा कचरा अंदर में घुस गया था। चलिए अच्छे से वॉश करते हैं। तो गाइस ये रहा इधर का भी कप जो है खुल चुका है, और इधर में भी देखिए कितना ज़्यादा एकदम कचरा था। चलिए इसे भी अच्छे से वॉश करते हैं। वायरिंग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह का कोई भी एक जुगाड़ ले ले और हल्का हल्का वायरिंग में इस तरह से ठोके, ये देखिए इस तरह से हल्का घुमाएं और इस तरह से ठोके, ये वायरिंग आपका बाहर आ जाएगा। ये देखिए एकदम हल्का हल्का करना है, आसानी से बैरिंग बाहर आ जाएगा जैसा कि देख पा रहे हैं। हल्का सीधा रखिए इस तरह से, ये देखिए इतना बाहर आ चुका है, थोड़ा सा और बाकी है। ये देखिए बैरिंग पूरा एकदम बाहर आ गया, तो इस तरह से बैरिंग को बाहर निकाल लेना है। और ये देखिए अंदर भैया एकदम अच्छे से वॉश कर दिए थे, लेकिन बात आ जाता कि इसे अच्छे से ग्रीसिंग करना, तो एक बार और अच्छे से वॉश करना पड़ेगा। ये देखिए कितना ज़्यादा कचरा है। तरह का आपको एक जुगाड़ लेना है जो कि हम स्पोक का बनाए हुए हैं, और इस तरह से हल्का सा पुश करेंगे तो ये जो बैरिंग का कैप है वो आपका बाहर आ जाएगा। ये देखिए बैरिंग का कैप आपका बाहर आ गया, लेकिन देखिए बैरिंग का अंदर में कितना ज़्यादा गंदगी है। ये देखिए ये बैरिंग हालांकि आपको जो है ना ख़राब होता है तो न्यू मार्केट में मिल जाएगा आसानी से बैरिंग शॉप में, ठीक है, बैरिंग ख़राब होगा तो हमारा बैरिंग ये सही है, हम इसी को सर्विस कर रहे हैं, तो जिस तरह से आप लोग को हम दिखा रहे हैं बता रहे हैं उस तरह से कर लेना, एकदम इजीली सर्विस हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो गाइस ये देखिए इधर वाला भी कैप आपका जो है बैरिंग का निकल चुका है, तो चलिए बैरिंग को भी वॉश करेंगे, फिर इधर वाला भी निकाल लेते हैं। ये देखिए सो गाइस ये रहा जैसा कि देख पा रहे हैं दोनों ही बैरिंग एकदम अच्छे से साफ हो चुका है, लेकिन बताना चाहेंगे ये बैरिंग जो है रस्ट लग के थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी जितना दिन चलेगा चलाएंगे, उसके बाद फिर जो है इसमें न्यू कार्ट्रेज लगाएंगे साइकिल में। तो चलिए इसको अब फिट करने का तरीका क्या है, तो जिस तरह से आप खोलेंगे उस तरह से आपको ध्यान में रखते हुए फिट करना है। फिट करने से पहले आपको क्या करना है, इस तरह से ऑयल लेना है, ठीक है, न्यू बाइक का इंजन का ऑयल रहेगा, और ऑयल को इस तरह से आपको देना है बैरिंग में। ये देखिए आपका दोनों ही बैरिंग एकदम अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह से फिट करना है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और वायरिंग को आपको हल्का हल्का ठोकना है। ठोकने का प्रोसेस क्या आप लोग को अच्छे से दिखाते हैं और बताते हैं। इस तरह से कोई भी जुगाड़ में नीचे रखना है, उसके बाद इस तरह का एक पाइप लेना है, सीट पिलर पाइप है, तो यहाँ पर इस तरह से आपको फिट करना है। फिट करने के बाद क्या करना है कि इस तरह से आपको ठोकना है, ये देखिए वायरिंग एकदम अच्छे से फिट हो चुका है, ये देखिए जैसा कि देख पा रहे हैं। अब चलिए कप को फिट करते हैं। कप को फिट करने से पहले हम क्या करेंगे कि कप में थोड़ा सा ऑयल कर देंगे, ये देखिए इस तरह से कप में ऑयल कर देंगे, ये देखिए ये आपका फ्रेश हो गया, अब रस्ट वगैरह नहीं लगेगा कप में और आसानी से फिट भी हो जाएगा। ये देखिए एक साइड का कंप्लीट हो चुका है, अब चलिए साइकिल में फिट करते हैं। बॉटम अच्छे से साफ करने के बाद ऑयल कर देना है, इस तरह से थ्रेड में कर देना है,
अच्छे से दोनों साइड का बॉटम ब्रैकेट आपको इस तरह से फिट करना है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए इसका, जैसा कि हम आप लोग को फर्स्ट में बताएं कि उल्टा थर्ड होता है, तो जिधर खुलेगा उधर आपका टाइट हो रहा है। ये देखिए एक चीज़ हम आप लोग को क्लियर करना चाहेंगे, वीडियो को आपको अच्छे से देखना तभी आप ये चीज़ को समझ पाएंगे, नहीं तो बॉटम ब्रैकेट फिट करने के बाद क्या होगा कि नॉइस का प्रॉब्लम आएगा। तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या समझना है कि बॉटम ब्रैकेट का ये जो कप है, ये कप को आपको फुल टाइट देना है, ज़रा सा भी लूज नहीं रखना है, एकदम फुल टाइट देना है। अगर आप इस तरह से फुल टाइट नहीं देते हैं तो फिर क्या होगा कि बॉटम ब्रैकेट में आपका नॉइस का प्रॉब्लम आएगा। किस तरह का कट इस तरह का प्रॉब्लम आता है, अधिकतर आप न्यू साइकिल में देखे होंगे कि ये जो नॉइस का प्रॉब्लम आता है कट न्यू साइकिल लेने के बाद, वो आपका बॉटम ब्रैकेट से ही आता है। तो बॉटम ब्रैकेट का ये जो कप हम टाइट किए हैं अभी हाथ से, तो ये आपका प्रॉपरली एकदम फुल टाइट देना है। फुल टाइट नहीं देने की वजह से ही नॉइस का प्रॉब्लम आता है। सो गाइस, दोनों कप को एकदम अच्छे से हम फुल टाइट दे दिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि पहले में हम करेंग फिट करेंगे, लेकिन जब हम गियर फिट करेंगे तो गियर फिट करने का तरीका क्या है हम आप लोग को बताएंगे। खोलने का तो इजीली खुल जाएगा, लेकिन फिट करने का तरीका होता है इस तरह से, करेंग को आपको पहले फिट करना है। करेंग फिट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, ये नट को इस तरह से आपको टाइट करना है। सो गाइस, हाथ से जितना हुआ टाइट कर लेना है। उसके बाद फिर आपको स्पैनर का मदद से फुल टाइट देना है। सो गाइस, इधर का हमारा हो गया है। गियर फिट करने से पहले चेन को इस तरह से बॉटम में आपको फिट कर लेना है, जैसा कि देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको गियर को फिट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से डायरेक्ट गियर फिट नहीं होगा, ये जो करेंक है ये आपका उल्टा सीधा रहता है, ठीक है। यानी एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपको एंगल देख लेना है, उसके बाद गियर को आपको फिट करना है। गियर को अच्छा सा इस तरह से हल्का सा ठोक देना है हाथ से। ठोकने के बाद फिर आपको क्या करना है, जिस तरह से करेंक को टाइट किए थे नट, उस तरह से आपको गियर का नट को फुल टाइट दे देना है। सो गाइस, दोनों ही नट को अच्छे से आपको फुल टाइट देना है। लास्ट और आखिर में हम आप लोग को एक चीज़ क्लियर करेंगे, अगर आप बॉटम ब्रैकेट साइकिल का अच्छे से सर्विस कर लिए हैं, तो सर्विस करने के बाद जब आप गियर करेंक सेट फिट करेंगे, तो फिट करने के बाद जब हम लोग नट को टाइट करेंगे, तो फुल टाइट नट को देना है। अगर हल्का सा भी नट अगर लूज रहता है, तो इस पर क्या होगा कि ये जो करेंक है, करेंक का जो थ्रेड है वो ख़राब हो जाएगा, जो घाट बना हुआ रहता है वो ख़राब हो जाएगा। फिर पूरा ये करेंक आपका न्यू लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे भाई का इस पर भी हमारे पास कमेंट आया हो कि हमारा करेंक ख़राब हो गया तो हम क्या करें। तो आपको मेन है करेंक ख़राब होने का साइकिल में ये नट, ठीक है। नट अगर आप सही से टाइट कर देते हैं करेंक का, तो कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, लॉन्ग लास्ट तक चलेगा। नट लूज रहने की वजह से ये करेंक का जो घाट होता है वो ख़राब होता है। तो आई होप गाइस, हम आप लोग को अच्छे से दिखा दिए, बता दिए कि MTB गियर वाली साइकिल का बॉटम ब्रैकेट किस तरह से सर्विस करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेज वाले वीडियो के साथ। तो अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।